दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल, आप सभी का मेरे टू व्हीलर टेक्निकल बाबा में स्वागत है। आज हमारे पास गाड़ी आई है टीवीएस अपाची RR 310। इसका फोकस सील लीकेज है। फोकस सील लीकेज होने के रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी गाड़ी चलती है और टायर के थ्रू इसमें डस्ट निकलते हैं और पॉक पाइप पे चिपक जाते हैं, पॉक पाइप की जो डस्ट है वो डस्ट ऑयल के थ्रू फोकस सील के अंदर चले जाते हैं और इससे फोकस सील फट जाता है और ऑयल लीकेज हो जाता है। तो इस फोकस सील को हमको रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे हम आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो के जरिए कैसे फोकस सील। सबसे फर्स्ट हम इसका एलंकी बोल्ट और एक्सल नट निकालेंगे। पाइप को नीचे दबाकर 14 नंबर का फिक्स पाइप लगाएंगे और उसके बाद 17 नंबर बोल्ट को खोल देंगे। हमें निकाल चुके हैं पूरा फोक पाइप का, पूरा निकालेंगे, पाइप निकालेंगे। एक वाइसर है, इसको भी निकालेंगे। इसके बाद स्प्रिंग है, फोक का फोक स्प्रिंग निकाल दिए। अब पूरा ऑयल पल्टी मार के पूरा बॉटम पाइप निकाल देंगे। इसके बाद हम लॉग निकालेंगे। ये लॉग निकाल चुके हैं। हम पाइप को खींच के इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा बॉटम पाइप निकल चुका है, वो फोक पाइप है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर का लॉग पट्टी होता है चलिए हम ये पूरे पार्ट्स को अच्छी तरह से धो देते हैं पहले। अब हम पूरा सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से पेट्रोल से धो देंगे। फोकल सील को फिटिंग करने के लिए पहले तो 250-350 ml के फोकल लगेंगे, जो है मोटुल के फोकल, और दो फोकल सील। हमने सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश कर चुके हैं। अब इसके बाद हम सभी पार्ट को अच्छी तरह से फिटिंग करेंगे। आप कपड़े से पहले पूरे पाइप को अच्छे से पोंछ देना है। चलिए हम फोकल सील फिटिंग करते हैं। पहले हम सिलेंडर लेंगे जिसमें फोक पाइप फोकल सील फिटिंग होएगा। ये वाइसर है, पहले वाइसर फिटिंग करेंगे हम। फोक का वाइसर बिठा चुके हैं, इसके बाद वाइसर लगाएंगे। इसको बोलते हैं स्टॉपर वाइसर। हमने वाइसर बिठा चुके हैं। इसके बाद हम फोक ऑयल सील बिठाएंगे। देखिए हमारी फोक ऑयल सील है। फोकल सील लगा दिए। अब इसका फोक का लॉक लगा देंगे। अब हम डस्ट ऑयल सील फिटिंग करेंगे।
हमने फोक वाइल से फिटिंग कर चुके हैं, अब फोक पाइप लगा के फिटिंग करेंगे। पहले फोक पाइप को भी अच्छी तरह से पोंछ देंगे, साफ कर देंगे। फोक पाइप का स्टॉपर क्लिप आता है उसको हम लगाएंगे, अच्छी तरह से साफ करके उसको फिटिंग कर देंगे। अब हम इसके अंदर फोक ऑयल डालेंगे 350 ml मोटर का, जो इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर वाइसर लगेगा, ये वाइसर में स्प्रू होल्ड हो जाएगा। फोक नट से टाइट कर देंगे पाना लगा के। फोक पाइप को वर्किंग करके चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल से लीकेज है कि नहीं और अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है कि नहीं। इसी तरह से हमने दूसरे फोक को भी फिटिंग किए थे, उसको भी हम चेक करेंगे कि दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। हमने दोनों फोकल सेल फिटिंग कर चुके हैं, अब हम गाड़ी में फिटिंग करेंगे। चलिए गाड़ी में हम फिटिंग करते हैं। अब हम फोक बाटले को अच्छी तरह से फिटिंग कर देंगे। देखिए हमने फोक बाटले को अच्छी तरह से फिटिंग कर चुके हैं, दूसरे बाटले को भी हम फिटिंग करते हैं। हमने फोक बाटले को भी फिटिंग कर दी, दूसरे वाले को भी अच्छी तरह से फिट हो चुका है। अब हम एलन की पान लेके उसको टाइट कर देंगे, तो एक लेवल में दोनों को ही फिटिंग करना है। हमें एलन की पाने से अच्छी तरह से फोक बाटले को टाइट कर देना है। टी प्लेट की जो एलन की बोल्ट है अच्छी तरह से हम फिटिंग कर देंगे। हमने दोनों फोक को अच्छी तरह से फिट कर चुके हैं, अब हम टायर मडगार्ड लगा के टायर फिटिंग करेंगे। चलिए फिटिंग करते हैं। हल्का हल्का हम ड्रॉप गेज को एक्सल अंदर डाल देंगे। हमने टायर फिटिंग कर चुके हैं, अब इसके बाद 17 नंबर का बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I